नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक नए शाखा को, एक नए ब्रांच को यहां पे डिस्कस करेंगे और उसको शुरू करने जा रहे हैं, और वो ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री जो कि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, साथ साथ ये क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। साथ साथ इसका उपयोग भी होता है विज्ञान के क्षेत्रों में, खासकर इंजीनियर, आर्किटेक्ट और एस्ट्रोलॉजर के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही यूजफुल मैथमेटिक्स टेक्निक है ये। तो ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर हम इसको अध्ययन क्यों करते हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा पढ़ने में, और इसको आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे कि इसका कहाँ यूज होता है और आखिर इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, जिससे आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप ये कुतुब मीनार के सामने खड़ा है, सपोज कीजिए कि ये कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार है इस यहाँ पे, आप सपोज कीजिए कि आप खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ से आप कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हैं, इस टॉप को आप यहाँ से देख रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं कुतुब मीनार के। आपको ये पता है कि आप कुतुब मीनार के बेस से कितने दूरी पे खड़ा है, और आपको ये कुतुब मीनार की ऊंचाई नापना है। तो बिना इसको मेजर किए, बिना फिजिकल मेजर किए हुए, क्या आप जान सकते हैं कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? तो ट्रिग्नोमेट्री के अध्ययन से हम बिना कुतुब मीनार को मापे हुए हम इसका अध्ययन कर सकते हैं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी होती है, बिना हम फिजिकल मेजर किए हुए। ये एक पहला एग्जाम्पल था। उसी तरह से दोस्तों, अगर सपोज कीजिए कि आप एक नदी है, ये नदी की सपोज कीजिए कि ये नदी बह रही है, ये चौड़ाई है, नदी के एक किनारे पे सपोज कीजिए आपका घर है, ये घर है, और नदी के दूसरे किनारे पे इस नदी का सीढ़ी है। अब आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे खड़े होके नदी के दूसरे किनारे के सीढ़ी को आप देखते हैं, नदी के दूसरे किनारे को सीढ़ी को देखते हैं। आपको अपने बिल्डिंग की हाइट पता है, बिल्डिंग की हाइट आपको ज्ञात है, तो बिना मेजर किए हुए क्या आप नदी की चौड़ाई को, नदी के इस विड्थ को नाप सकते हैं कि नदी की चौड़ाई कितने में है? क्या आप उसको नाप सकते हैं बिना उसको मेजर किए हुए? क्या आप जान सकते हैं, क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इस तरह में बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है, और बिना हम इसको फिजिकल विड्थ को नापे हुए हम इसका विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं दोस्तों। सपोज कीजिए कि एक बच्चा, एक बलून यहाँ पे है, बलून यहाँ पे बच्चे खड़े हैं, और बलून ये यहाँ पे आकर के उड़ रहा था, गुब्बारा उड़ रहा है, और बच्चा देखा कि एक बलून है, वो खुशी से अपने घर मम्मी को बुला कर लाया, अपने घर से, सपोज कीजिए इसका घर यहाँ पे है, घर में मम्मी को बुला कर लाया, और सपोज कीजिए कि बलून ए पॉइंट पे उड़ रहा था, यहाँ से बच्चा उसको देख रहा है, और सपोज कीजिए कि जब बच्चा दौड़ के अपने मम्मी को बुला कर लाया कि देखो देखो मम्मी एक बलून उड़ रहा है, तो जब तक इसकी मम्मी आती है, तो मम्मी के साथ ये बच्चा जब आता है, तो ये बलून उड़ते उड़ते सपोज कीजिए कि यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया। तो क्या आप बिना नापे हुए, बिना मेजर किए हुए बलून की हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं, इसके हाइट कितने हाइट पे उड़ रहा है, ये हाइट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, त्रिकोणमिति के हेल्प से ये हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ऊंचाई और दूरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैथमेटिक्स के नए ब्रांच के अंतर्गत, नए ब्रांच के अंतर्गत इसका अध्ययन बड़ी आसानी से किया जाता है, और वो है ब्रांच जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसी भी त्रिभुज के ब्रांच और उसके कोण के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? कि इन ट्रिग्नोमेट्री वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी त्रिभुज का सपोज कीजिए ये त्रिभुज है, या ये त्रिभुज है, या ये त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज के उसके ब्रांच, ब्रांच मतलब इसके साइड्स, इसके भुजा और इसके कोण के बीच के संबंधों, जो संबंध है, क्या संबंध है,
उस संबंधों का अध्ययन हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। और आप जानते हैं कि त्रिभुज कोण के अनुसार आप देखेंगे कि कोण के अनुसार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं? एक एक्यूट एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल माने न्यून कोण त्रिभुज, जिसके तीनों कोण जो होते हैं ये इसके कोण जो त्रिभुज की ये ए बी और सी ट्रायंगल है, इसके तीनों कोण जो होंगे वो न्यून कोण होंगे। न्यून कोण मतलब जो वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम का कोण हो, उसको न्यून कोण कहते हैं। उसी तरह से एक होता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें सपोज कीजिए कि ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, अगर कोई भी इसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो वो ट्रायंगल कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन सा? इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, एंगल जो बी है वो 90 डिग्री से इसमें ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और तीसरा ट्रायंगल जो कोण के अनुसार से हम देखते हैं ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या होता है कि इसके एक कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। कितने डिग्री के बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो वैसे ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण होते हैं, एक एंगल समकोण होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज के भुजा के अनुपात को वर्णन करेंगे, देखेंगे। इस वीडियो में खासकर हम लोग समकोण त्रिभुज के भुजा का अनुपात किसी न्यून कोण, क्योंकि जब ये अगर 90 डिग्री हो, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितने होते हैं 180 डिग्री होते हैं, और अगर ये एंगल अकेले 90 डिग्री है तो बाकी दो कोणों का योग क्या कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा मतलब हर एंगल जो होगा, हर कोण जो होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि जो 90 डिग्री से छोटा होगा वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। यानी कि ये जो बाकी दो कोण बचे हुए हैं वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो न्यून कोण के रिस्पेक्ट में, न्यून कोण के सापेक्ष में हम क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में भुजा के अनुपात को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसी भुजा के अनुपात को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आइए दोस्तों इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि भुजा और उसके कोण के बीच के जो रिलेशनशिप है उसका जो स्टडी है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत किया जाता है। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? खास के समकोण त्रिभुज के विषय में अध्ययन करेंगे, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के विषय में अध्ययन करेंगे। तो यही हमने लिखा है कि इस अध्याय में हम लोग समकोण त्रिभुज के भुजाओं के कुछ अनुपात के उसके न्यून कोणों के सापेक्ष में अध्ययन करेंगे, जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज में कैसे भुजाओं का क्या अनुपात और किस न्यून कोण के रिस्पेक्ट में हम इसका अध्ययन करेंगे, तो आपको पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सपोज कीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है दोस्तों, जिसे आप भली भांति परिचित हैं। इसमें ए बी सी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल जो आपका है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री यानी कि इसको हम राइट एंगल कहते हैं, समकोण भी कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं दोस्तों? समकोण कहते हैं। और एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, न्यून कोण और अधिक कोण हमने आपको डिस्कस करके बता ही दिया है। तो इस समकोण त्रिभुज में जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे दोस्तों? 90 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है और ये अकेले 90 है, तो बाकी दो कोण क्या होंगे? 90 होंगे। और बाकी दो कोणों का योग अगर 90 होता है यानी कि एक कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ये सपोज कीजिए एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 हो जाएंगे। अगर हम इसको थीटा मानते हैं, एंगल सी को हम थीटा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो एंगल ए प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, या एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये एंगल जो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा कोणों के सिंबल के लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों, इसको जस्ट हम एक सिंबल के लिए कोण
के सिंबल के लिए यूज करते हैं। तो थीटा अगर यहाँ पे ये सी एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा एंगल ए 90 माइनस थीटा, यानी कि एंगल सी और एंगल ए एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर दो कोणों का जो 90 डिग्री है तो वो दो कोण आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज में दो कोण जो होते हैं रेस्ट दो कोण समकोण के अलावा वो आपस में कम्प्लीमेंट्री होते हैं। दूसरी बात, जो थीटा होते हैं अगर सपोज इस न्यून कोण के रिस्पेक्ट में हम सभी भुजा का अनुपात देखें, भुजा का अनुपात क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो भुजा का अनुपात अगर सपोज कि इसमें भुजा कौन कौन है, एक भुजा ए बी है, ये भुजा है, एक भुजा बी सी है और एक भुजा ये ए सी है, ये तीन भुजा है इसके, तीन साइड्स हैं इसके। अब तीन साइड्स में अगर इस न्यून कोण के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इसके सामने का जो भुजा होगा इस कोण के अपोजिट जो साइड्स होंगे ट्रायंगल के, इस यहां से देखेंगे तो इसके सामने का या इसके अपोजिट कौन सा साइड्स है, ए बी, तो ए बी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस ट्रायंगल में थीटा के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा लंब या परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर साइड कहते हैं इसको, शॉर्ट में पी भी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पी हो गया। अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में इस भुजा का नाम क्या देंगे, तो चूंकि इस भुजा के ये एडजेसेंट साइड है, साथ का भुजा है लगा हुआ, तो ये एंगल के लिए जो ये साइड होते हैं उसको हम कहते हैं आधार, बीसी क्या हो जाएगा आधार, बेस, इसको बी से डिनोट करते हैं, यानी कि ये हमारा बेस हो गया, ठीक है दोस्तों। और एसी, एसी क्या है, 90 डिग्री के सामने का जो भी साइड्स होगा राइट एंगल ट्रायंगल में उसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ण, हाइपोटेन्यूज, इसको एच से डिनोट करते हैं, यानी कि ये साइड क्या हो जाएगा एच, यानी कि ट्रायंगल के तीन साइड्स हुए परपेंडिकुलर, बेस और एच, इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, ये साइड्स होगा परपेंडिकुलर और ये साइड्स हो जाएंगे बेस। अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसके सामने का जो भुजा होगा ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा इसका इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस। यानी कि अगर हम एंगल ए और एंगल सी को इंटरचेंज कर दे तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल्स के विषय में जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आगे समझना हो तो। एक चीज और इस ट्रायंगल के लिए आपको जानना होता है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग सब कुछ भली भांति परिचित होंगे दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी राइट एंगल्स ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल्स ट्रायंगल एबीसी में कर्ण जो है, कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण तो दोनों एंगल के लिए जो हाइपोटेन्यूज होगा वो सेम ही होगा, एसी होगा, केवल बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अगर हम अभी सी एंगल सी का कंसिडरेशन करते हैं तो इसके लिए पी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में जो कर्ण का स्क्वायर है यानी कि जो एच का स्क्वायर है बाकी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर होंगे बाकी दो साइड्स। ये बहुत ही इंपोर्टेंट थ्योरम है। अगर आपको कोई दो भुजा दिया रहेगा तो आप तीसरा भुजा यहाँ से राइट एंगल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर ये ट्राइंगल हमारा है तो हमने क्या जानना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या हो सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके इसमें छह बन सकते हैं। क्या क्या, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का भुजाओं का अनुपात है किसी एंगल के रिस्पेक्ट में, किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। तो अभी छह तरह के अनुपात बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, ए बी बाय बी सी हो सकते हैं, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, और जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, बी सी बाय ए बी, ये दो हो गए। सिमिलरली इस और इसमें, तो ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, और ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी, इसके रिवर्स हो जाएंगे, ए बी बाई ए सी और ए सी बाई ए बी, दो ये हो गए। और फिर इसके रिस्पेक्ट में बी सी बाई ए सी और ए सी बाई बी सी, तो बी सी बाई ए सी
एंड एसी पर बीसी। इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों कि छह तरह के भुजा के अनुपात होते हैं। छह तरह के भुजा का अनुपात इस राइट एंगल ट्रायंगल में हो सकते हैं, और इसी छह तरह के भुजा का अनुपात जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं, एबी बाई बीसी, बीसी बाई एबी, एबी बाई एसी, एसी बाई एबी, बीसी बाई एसी, एसी बाई बीसी। ये छह जो भुजा का अनुपात है, दिस इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हम इस थीटा के रिस्पेक्ट में कौन से साइड्स को क्या कहेंगे उसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले अनुपात को। तो पहले अनुपात हम सपोज कीजिए मानते हैं ए बी बाई ए सी को, ए बी बाई ए सी यानी क्या हो गया पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं। अगर इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये पी है तो पी बाई एच जो होगा उसको बोलते हैं साइन ऑफ थीटा, यानी कि इसको बोल सकते हैं साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा का जो साइन होगा साइन उसको साइन थीटा हम शॉर्ट में लिख सकते हैं दोस्तों, और ये साइन थीटा जो होगा वो पी बाय एच के इक्वल्स हो जाएगा। दूसरा रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका रिवर्स ए सी बाय ए बी यानी कि एच बाय पी, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं कोसेक ऑफ थीटा, और ये आप कह सकते हैं कोसेक थीटा, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं जो रिवर्स है पी बाई एच और एच बाई पी एक दूसरे के रिवर्स है, यानी कि इन दोनों साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू वन बाय कोसेक थीटा। ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया मेन मेन, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों तीसरे रेशियो को, ये पहला रेशियो, ये दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी यानी कि बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा बी सी बाय ए सी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों बेस बाय हाइपोटेन्यूज बी बाय एच, बी बाय एच जो होगा वो कॉस ऑफ थीटा होता है, इसको बोलते हैं कॉस ऑफ थीटा, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाय एच, आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, चौथा रेशियो इसके रिवर्स में हो जाएगा क्या ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी क्या हो जाएगा एच बाय बी, और ये हो जाएगा sec sec ऑफ थीटा, ये हो जाएगा sec थीटा। ठीक है दोस्तों ये आप याद रखेंगे, तो sec थीटा क्या हो जाएगा एच बाय बी, सिमिलरली sec थीटा क्या हो जाएगा एच बाय बी। उसी तरह से फिफ्थ में क्या हो जाएगा ए बी बाई एसी यानी कि ए बी बाय बी सी यानी कि पी बाय बी, तो ए बी बाय बी सी यानी कि पी बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होगा टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा, और लास्ट जो है वो हो जाएगा बी सी बाय ए बी, इसको बोलते हैं बी सी बाय ए बी बेस बाय परपेंडिकुलर, ये इसका रिवर्स में आता है दोस्तों, ये हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा यानी कि कॉट थीटा। ये आप इसका आपके पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल गया, और आपका ये एक तरह से फॉर्मूला जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि आप आपको पता चल जाएगा पी बाई एच इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको बीच में साइन ऑफ थीटा हटा, क्योंकि साइन जो है ये क्या है उसका मतलब होता है अर्धजीवा। ये आर्यभट्ट के द्वारा 500 ईस्वी पहले आर्यभट्टम बुक जो लिखे थे उसने इसका उसने यूज किया था, और बाद में इसका अरबी अनुवाद हुआ, फिर ग्रीक अनुवाद हुआ, तो अर्धजीवा को साइनस कहा गया, साइन को फिर से शॉर्ट करके साइन कर दिया गया। तो ये हिस्ट्री से हमको ज्यादा कुछ इसमें लेना देना नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है कि जो इसका साइन थीटा, इस एंगल का जो साइन थीटा होगा वो पी बाई एच होगा, तो अगर हम याद करने के लिए इस बीच से इसको हम हटा देते हैं तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों बी बाई एच, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों एच बाई बी,
टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई पी और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी बाई पी। अब इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये दोनों अगर ये दोनों आपस में रिवर्स है तो साइन थीटा इक्वल टू ये एक अलग फॉर्मूला आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा। उसी तरह आप इसमें दोनों में देख सकते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रिवर्स है तो ये क्या हो जाएंगे कॉस थीटा इक्वल टू वन बाय सेक थीटा। ये तुम्हारा अलग ही एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसको भी याद रखना है कि कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में रिवर्स होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेन और कॉट का तो पी बाई बी और कॉट है बी बाई पी वो भी एक दूसरे का रिवर्स है तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू वन बाय कॉट थीटा। ये आपका दोस्तों एक अलग तो ये जो छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप जान चुके हैं और छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आपस का रिलेशन भी आप इसमें देख लीजिए कि साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का रिवर्स होता है कॉस थीटा सेक थीटा का रिवर्स होता है और टेन थीटा कॉट थीटा का रिवर्स होता है। साथ ही आप एक चीज इसमें और देख सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है दोस्तों साइन थीटा होता है पी बाय एच और कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों बी बाय एच तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाय एच। अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा करते हैं हम लोग अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा आप करोगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे P बाय एच और B बाय एच नीचे से एच एच कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा P बाय बी। अब P बाय बी क्या होता है दोस्तों तो P बाय बी होता है टेन थीटा। P बाय बी जो होगा इस एंगल के रिस्पेक्ट में कि लंब बट्टे आधार जो होगा वो टेन थीटा होता है जो कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है यानी कि ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू यानी ये भी एक नया फॉर्मूला आपके पास आ गया कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ये आपका एक नया फॉर्मूला आ गया और इसको अगर रिवर्स कर दीजिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा क्योंकि टेन थीटा का रिवर्स ही कॉट थीटा होता है। तो ये आपके छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो गया दोस्तों। अब आपको अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया होगा तो आपको बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हैं ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद मैं इस पे एक क्वेश्चन देता हूं आप देखिएगा कि एक आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो गया तो आप बाकी उससे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कि इसी ट्राइंगल्स ए बी सी में साइन थीटा दिया हुआ है आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है थ्री बाय फाइव ठीक है दोस्तों यानी कि इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो इस साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दिया हुआ तो आपको बाकी जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा कॉसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा निकालना है। आप कैसे निकालेंगे तो अगर ये 3/5 दिया मतलब क्या है साइन थीटा तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज पी बाय एच होता है यानी कि ए बी बाय ए सी का रेशियो दिया हुआ है पी बाय एच का रेशियो दिया हुआ है या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि P बाय थ्री इक्वल्स टू एच बाय इसको आप लिख सकते हैं कि P के नीचे 3 और H के नीचे H को कर लीजिएगा 5 इक्वल्स टू ये कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं यानी कि परपेंडिकुलर यहां से आप कैलकुलेट करना चाहे तो P इज इक्वल टू 3K और H इक्वल टू 5K लिख सकते हैं दोस्तों कि P 3K और H 5K। अब ये सपोज कीजिए कि आपका 3K हो गया और ये H जो है आपका वो 5K हो गया P के। अब यहां से आप B निकाल सकते हैं B कैसे निकाल सकते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है दोस्तों एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से आपको B निकाल लो तो B क्या हो जाएगा बेस यहां से अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और एच का वैल्यू 5K तो 5K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 16K का स्क्वायर। अब यहां से बी अगर निकालोगे तो अंडर रूट 16K स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस और चूंकि बेस जो है भुजा का लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता इसी निगेटिव पॉइंट को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 4K यानी कि B का वैल्यू आ गया 4K। अब आप किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं कैसे तो अगर साइन थीटा पता है तो आप इसको कॉसेक थीटा को आराम से आप निकाल सकते हैं क्योंकि वो रिवर्स होता है तो साइन थीटा गिवेन देन कॉसेक थीटा
इक्वल्स टू दो तरीके से, या तो इसको रिवर्स कर देंगे 5/3 तो भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, या नहीं तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं cosec theta equal to क्या होता है h by p, जो कि आपने बताया था कि cosec theta equal to क्या हो जाएगा h by p। तो h आपको यहां से पता है 5 के है, h आपको क्या है पता है 5 के है, और p आपको पता है 3 के है, 3 के आप काट दोगे, k के कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 सेम रिजल्ट निकलेगा, जो रिवर्स करने के बाद निकला वही आप कैलकुलेट करके भी निकाल लीजिए। उसी तरह से दोस्तों अगर आप cos थीटा निकालना चाहो तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है b by h बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो b का वैल्यू कितना आपने निकाला 4k, तो 4k डिवाइडेड बाय 5k, k से क्या कैंसिल हो जाएगा 4/5 हो जाएगा cos थीटा, और अगर cos थीटा हमें पता चल गया तो sec थीटा क्या होता है उसका रिवर्स हो जाता है, तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos, यानी कि उल्टा हो जाएगा ये 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा उल्टा sec का, cos का उल्टा sec हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, या नहीं तो आप cosec थीटा इस तरह से भी निकाल सकते, sec थीटा इस तरह से निकाल सकते हैं कि क्या होता है कि h by b, तो h by b, h का वैल्यू कहां निकला है 5 के दिया हुआ है, और आपने b का वैल्यू 4 के निकाला है, k कैंसिल हो जाएगा, यहां से 5/4 सेम रिजल्ट आया है दोस्तों। अब बचा tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है p/b, और p कितना है हमारा, तो p इक्वल्स टू 3k दिया हुआ है, तो 3k और डिवाइडेड बाय v कितना हमने निकाला 4k, 4k यहां k कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और cot थीटा कितना हो जाएगा सेम तरह से, तो cot थीटा हो जाता है b/p, इसका रिवर्स हो जाता है, तो b का वैल्यू 4k और p का वैल्यू 3k, k कैंसिल हो जाएगा तो 4/3। अब देखिए यहां से आप रिवर्स भी डायरेक्ट कर देते tan थीटा को तो भी ये cos थीटा का वैल्यू निकल जाता है। तो अब यहां से हमको sin थीटा दिया हुआ था, हम यहां से cosec थीटा निकाल लिए, cos थीटा निकाल लिए, sec थीटा निकाल लिए, tan थीटा निकाल लिए, cot थीटा निकाल लिए, तो एक कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो, चाहे cos थीटा ही दिया रहता तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। अब चूंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था तो हमने इस एंगल के रिस्पेक्ट में सारा निकाल लिया, अगर हमें अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में भी निकालने के लिए कहेगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों साइड पता चल गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। आपके बुक में जो भी प्रॉब्लम है आप कोशिश कीजिए उसको बनाने का, और अगर समझ में नहीं आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपना डाउट को डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को पढ़ाएंगे, उसमें हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। सपोज कीजिए ये एंगल 30 डिग्री है, उसके लिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 30 डिग्री जब होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि आपको उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ये 30 डिग्री है तो उस समय जो साइन का या कॉस का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो भुजा के साइड्स के लेंथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू, उसी तरह कॉस के लिए सब देख लेंगे, क्योंकि ये सब चीजें याद रखने वाली होती हैं, और डायरेक्ट एग्जामिनेशन में इससे वैल्यू भी पूछ देते हैं और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।